हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में आपको रोज़ बनाना सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक थ्रेड चाहिए और एक क्रोशिया चाहिए। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले क्रोशिया लें और थ्रेड को उसमें बांध के फिर हमें चेन बनाना। चेन बनाना है, सिक्स चेन बनाने हैं हमें। और सिक्स चेन बनाने के बाद उसे इस तरह बांध लें ऐसे, और बांधने के बाद बिना फंदे का ही ऐसे, बिना फंदे का दो का एक करना है। देखिए इस तरह बिना फंदे का दो का एक इस सर्कल के अंदर डाल के ऐसे करते जाना है। सर्कल के अंदर डाला, बिना फंदे का ऐसे करते जाना हमें। देखिए इस तरह पूरे सर्कल को राउंड करना है। इस तरह जब तक ये सर्कल आपका फिल ना हो जाए, ये हमें राउंड कर देना है। देखिए अब ये पूरा राउंड बन गया इस तरह। अब हम फिर से फोर चेन्स बनाएंगे। देखिए ये हमने फोर चेन बनाया और थोड़े से दूर में ऐसे हम यहाँ पे बांध देंगे और फिर से फोर चेन बनाएंगे और थोड़े से दूर में फिर से यहाँ पे ऐसे कर देंगे। आप अंदाज से डिफरेंस ले सकती हैं। फिर से फोर चेन्स बनाया हमने और यहाँ पे डाला थ्री। फोर टाइम हमें करना है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, देन फोर टाइम। और ये फोर टाइम में आपका ये सर्कल जो है वो कवर हो जाएगा। ये देखिए वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एंड फोर टाइम। फोर फोर चेन्स के अंतराल में हमें ऐसे करते जाना है। और फिर इसी के नीचे फिर से हम एक चेन बढ़ा देंगे। फोर चेन के बाद हम फाइव चेन कर देंगे और फाइव चेन करने के बाद जहां हमने इसे बांधा था ऐसे करके आप देखें, यहां पे हमने बांधा था, फिर उसी के नीचे हम इसे बांधेंगे। फाइव चेन्स को भी ऐसे यहां पर ये बांध देंगे। ये हमारा फाइव चेन हो गया। देन फिर से फाइव चेन बनाएंगे और अभी हमने बांधा था यहाँ पे, तो यहाँ बांध देंगे फाइव चेन्स के पास। फिर फाइव चेन्स हमने बनाया। शुरू में फर्स्ट लाइन में फोर चेन रखने हैं, देन सेकेंड लाइन में फाइव चेन रखने हैं हमें, और ऐसे हमें बढ़ाते भी जाना आगे। फिर ये फाइव चेन्स बन गए हमारे और ये सेकेंड लाइन जब तक पूरा ना हो जाए तब तक फाइव चेन्स बनाने हैं। देखिए अब ये फोर लाइंस वाले चेन हो गए, ये फाइव लाइन वाले हो गए, दो लाइन हमारे हो गए और अब ये हमारा तीसरा लाइन बनेगा और इसमें हमें सिक्स चेन बनाने हैं। फोर चेन्स, देन फाइव चेन्स, देन सिक्स चेन्स। और अब हमें फिर से जहाँ जहाँ हमने बांधा था वहाँ वहाँ फिर से बांधना है। फिर से सिक्स चेन लेंगे और ये हमने यहाँ बांधा था तो यहाँ पर ही हम बांध देंगे। ऐसे हम ये बांधते जाएंगे। देखिए ऐसे हमारा ये राउंड बनता जाएगा। फिर से यहाँ बांधा था हमने तो यहीं पे बांधना होगा। फिर से सिक्स चेन। इस तरह ये सर्कल को
करते जाना है। देखिए ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। इस तरह हमें यहाँ पर सिक्स लाइंस बनाने हैं, वन लाइन देन टू लाइन थ्री लाइन फोर लाइन फाइव सिक्स लाइन। और ये सिक्स लाइन जब आपका बन जाए तब फिर हमें ये हर चेन को भरना है, और हर लाइन में आपका चेन ये एक एक बढ़ता जाएगा। अभी हमने सिक्स चेन बनाया था, देन अभी हम सेवन चेन्स बनाएंगे। ये हमारा सेवन चेन हो गया, और फिर यहाँ पर सेवन चेन, फिर हम ये पूरे में सेवन चेन बनाएंगे, देन उसके बाद एट चेन बना के और फिर नाइन चेन बना के, ऐसे हमें सिक्स लाइंस ऐसे बनाने हैं। और ये जब सिक्स लाइन बन जाए, इसी तरह सिक्स लाइन बन जाए, फिर अब हम इसे फिल करेंगे एक एक करके। तो चलिए अभी हम फिल करना सीखते हैं। सबसे पहले बिना फंदे का साइड से तीन का दो और दो का एक साइड में एकदम छोटा करना है, फिर फंदे को थोड़ा सा बड़ा करना है, और फिर फंदे को थोड़ा थोड़ा खींच खींच के बड़ा करते जाए साइज में, और फिर इसे चेन को फिल करेंगे। फिल करने मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे फिल करने के लिए भी सीख सकती हैं आराम से। देन इस पूरे चेन को अभी हम बीच में लंबा फंदा लेकर करना है, देन साइड में छोटा फंदा लेकर भरना। देखिए अभी ये साइड हमारा आ गया, तो हम फंदे को छोटा करते जाएंगे, छोटा करेंगे, और लास्ट में ये बिल्कुल ही छोटा करके ऐसे हमारा राउंड शेप में बन जाएगा ये। अब एक चेन फिल हो जाने के बाद दूसरे चेन में आने के लिए पहले बिना फंदे के ऐसे घुसा कर दोनों को बांध लें ऐसे, फिर थोड़ा सा फंदा बड़ा करें, और फिर इसे भी हम फिल करेंगे। इसे भी इस तरह फिल करते रहेंगे। फिल करना बहुत ही आसान है। इस तरह इसे भी फिल कर ले, और सारे चेन को इसी तरह अलग अलग करके फिल करना है, एक में जॉइंट नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि रोज़ की पंखुड़ियाँ बन रही हैं तो वो सब अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए किसी को जॉइंट नहीं करना है। देखिए अब ये साइड वाला आ गया, तो बिना फंदे का ये अब हमें बांध देना है ऐसे, फिर हमारा ये राउंड शेप में आ गया। और देन हम यहाँ से अलग करेंगे, अलग करने के लिए फिर इसमें पहले हम ऐसे बांध लेंगे टाइट करके ऐसे, और देन इसे फिर से फिल करेंगे ऐसे। इस तरह ये पूरे सर्कल को फिल करते रहें, फिल करते करते ये आपका रोज़ ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगा। ये चेन की लाइंस सिक्स होनी चाहिए, सिक्स लाइन में आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल रोज़ बनेगा। ये देखिए ये लास्ट हो जाए तो इसे ऐसे बांध देंगे, हमारा तीन पंखुड़ी बन गया है। और अब हम ये लास्ट वाला भरेंगे, ये देखिए हमारा लास्ट वन है ये।
ये भी फिल हो गया। ये देखिए इस तरह हमारा ये चार बन गया। और अब हमें क्या करना है, इसी तरह ये हर चेन को हमें इस तरह भरते जाना है, ये वाला और ये जितनी भी चेन्स आपको दिख रहे हैं ये भरते जाना है। और ये भरते भरते आपका ऐसा रोज बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए इसमें हमने 6 चेन के लाइन रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो आपको ये 6 चेन बना लेना है इस तरह, जैसे हमने ये बनाया है इस तरह आपको बना लेना और देन सबको फिल करते जाना है, सेम मेथड से फिल करते जाना है। और ये रोज़ आपका बन जाएगा ऐसा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को इसी तरह पसंद करते रहें, धन्यवाद।